बार ना वो खाली इंडस्ट्री का नाम देगा और एक दो सिम्टम देगा। अब गैस की भी इंडस्ट्रीज ने बताया कि एक बंदा गैस की इंडस्ट्री में काम कर रहा है या ब्रिक लाइनिंग में काम कर रहा है, चले वो आया डिस्निया सब में होना है, कफ सब में होनी है। अब वो कहता है कि इसको क्लबिंग का फिंगर्स है और सायनोसिस है। क्लबिंग और सायनोसिस याद करें, याद रखें, हमेशा एस्बेस्टोसिस में होते हैं। अब कभी कभार में इंडस्ट्री का नाम भी नहीं बताएगा, कहेगा एक बंदा ओपीडी ओपीडी में आया, किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको क्लबिंग का फिंगर है और सायनोसिस है, डायग्नोसिस बताएं तो एस्बेस्टोसिस ही होगा। अब गैस किट भी एस्बेस्टोसिस होगा, ये पार्ट में लिखा है। ब्रिक लाइनिंग भी एस्बेस्टोसिस होगा। पिछला सिनेरियो हमने एस्बेस्टोसिस का डिस्कस किया है तो उसमें हमने इंडस्ट्री से किया है और लंग्स की चेंजेस से किया है, जहां हमने बताया है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी, हनीकॉम्ब अपीयरेंस होगी, तब भी एस्बेस्टोसिस है। ब्रिक लाइनिंग है, क्लबिंग है, तब भी एस्बेस्टोसिस है। कॉजेटिव एजेंट जाहिर है एस्बेस्टोस होगा। कभी कभार पूछता है जी एस्बेस्टोसिस की कॉम्प्लिकेशन, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि ये लंग कैंसर करता है, मीजोथिलियोमा जिसे कहते हैं, ये लंग कैंसर करेगा, ये आपने लिखना है, मीजोथिलियोमा करेगा। अच्छा, एओर्टिक एनोरिज्म भी कर सकता है। अब आपने डायग्नोस कैसे किया, इंडस्ट्री या क्लबिंग, साइनोसिस, और चौथा आपको पिछले सिनेरियो में जो बताया था आपने एक्सरे से किया। तो मल्टीपल वेज एंड डायग्नोसिस के, लेकिन जब गैस किट आ जाए, क्लबिंग आ जाए, साइनोसिस आ जाए, दैट इज एस्बेस्टोसिस। कॉजेटिव एजेंट क्या है, एस्बेस्टोस। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, लंग कैंसर है, मेसोथेलियोमा है, एओर्टिक एनोरिज्म है। प्रिवेंटिव मेजर्स वही हैं जो बार बार आ रही हैं कि मेडिकल होगी, चले ठीक है, इंजीनियरिंग होगी, चले वो भी मान लिया, लेजिस्लेटिव होगी, चले वो भी मान लिया, वो आपने लिखनी है, लिस्ट करना है। अब आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, तो आप याद रखें गैस किट, क्लबिंग, साइनोसिस, लोअर लोब, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, हनीकॉम्ब अपीयरेंस, दैट इज एस्बेस्टोसिस। कॉजेटिव एजेंट एस्बेस्टोस, कॉम्प्लिकेशन लंग कैंसर, मेसोथेलियोमा। प्रिवेंटिव मेजर्स वही हैं जो बार बार हम बता रहे हैं। थैंक यू।